हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन किरण किचन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आप लोगों के लिए दो रेसिपी लेकर आ गई हूँ। एक तिल के गजक, जो कि जयपुर की एक फेमस रेसिपी, और दूसरी बादाम की चिक्की। तो चलिए, इनको बनाने के से पहले हम लोग देख लेते हैं कि तिल के फायदे क्या क्या। तिल की तासीर बहुत ही गर्म होती है, इसलिए इसे सर्दियों में खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। तिल का सेवन यदि सर्दी में किया जाए तो यह जड़ी बूटी से कम नहीं है। तिल में सेसमिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। तिल में कुछ ऐसे तत्व और विटामिन पाए जाते हैं जो तनाव और डिप्रेशन को कम करने में हमारी मदद करता है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, जिसका जिक्र मैं आगे भी करते चलूँगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि हमें इसके बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे तिल के गजक। उसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम तिल लिया है, एक कप मेरा 250 ग्राम के बराबर का है, और उसी के नाप से मैंने एक कप गुड़ लिया है, जिसे मैंने पहले से ही क्रश करके रख लिया है। यदि आपके पास कप ना हो तो इसे किसी भी कटोरी या कप से माप लें। तिल का गजक बनाने के लिए सबसे पहले तिल को हम लोग भून लेंगे। चलिए, पैन चढ़ा लेते हैं गैस पर और इसे तिल को भून लेते हैं। पर मैं तिल को गैस पर नहीं भूनूंगी, इसे ओवन में भूनूंगी, और इसे भूनने का एक अनोखा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो है ये कागज़ की थैली, जिसे हम लोग ठोंगा भी बोलते हैं या फिर ये पैकेट भी बोलते हैं, और इसमें मैं इसे डालकर ओवन में भूनूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक पैकेट ले लिया है और इसके अंदर ही मैंने सारे तिल को डाल दिया है, और उसके बाद इसे मैं फोल्ड कर लूँगी अच्छे से। इसे पिनअप नहीं करना है फ्रेंड्स, केवल इसे फोल्ड करना है, और इसी से फोल्ड करके फिर इसे माइक्रोवेव में 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसे माइक्रोवेव में ही भूनें। अगर जिसके पास नहीं है माइक्रोवेव, तो वो पैन में इसे भून लें सुनहरा होने तक, जिससे कि ये जले भी नहीं और अच्छे से भून भी जाए थोड़ा सा ब्राउन होने तक। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ 2 मिनट का टाइमर लगा दिया है। 2 मिनट इसे चेक भी कर लिया था, जब ये मेरे नहीं भुने थे तिल, तो मैंने इसमें 1 मिनट का और टाइम सेट किया था। तिल को भुनने में टोटल टाइम 3 मिनट का लगा। इसके बाद मैंने इसे निकाल लिया और थोड़ा सा ठंडा कर लिया। आप देख सकते हैं कि तिल कितने ही अच्छे से भुन गए हैं, आप देख सकते हैं। अब फिर मैंने इसे मिक्सर जार में डाल दिया है और इसे ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा पीस लेंगे। आप देख लीजिए कि ये कितने ही अच्छे से भुन गए हैं। बस इसे ग्राइंड करने वक्त ये ध्यान रखना है कि इसे पल्स मोड पर ही पीसना है, नहीं तो इसे ऑयल छोड़ देगा और फिर ये बनेंगे नहीं अच्छे से, इसलिए इसे पल्स मोड पर ही इसे पीसना है, ये ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। और फिर इसमें मैंने 1 कप गुड़ मिला दिया है क्रश किया हुआ, और इन दोनों को मिलाकर फिर से पल्स मोड पर ही पीसना है। इसे लगातार नहीं चलाना है, रुक रुक कर चलाना है मिक्सी को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों को मैंने पीस लिया है और इसका मिश्रण इस तरह से तैयार हो गया। आप इस रेसिपी को चीनी के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, इसे मैंने भून कर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप इसे चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर मैंने इसे अच्छे स्वाद के लिए इसे डाला है थोड़ा सा, और इसे ग्राइंड कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसे भी पल्स मोड पर ही पीसना है, नहीं तो ये भी ऑयल छोड़ देंगे। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, चलिए अब इससे गजक बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर पैन चढ़ाया है और उसमें 1/2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून, आप जो भी जैसा भी आप चाहें वैसा घी इसमें डालें। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, घी ऑप्शनल है। मैंने थोड़ा सा डाला है जिससे कि इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। इससे घी जब गर्म हो जाए तो फिर इसमें जो हम लोग तिल और गुड़ का जो मिश्रण बना के रखे थे उसे पीस कर उस मिश्रण को इसमें डाल देंगे, और इसे धीमे आंच पर ही इसे गर्म करेंगे। बस इसका ना चाशनी बनाना है ना और कुछ, और जो ड्राई फ्रूट हम लोग इसे पीस कर रखे थे उसे भी इसमें डाल देना है, और इसे गर्म करना है धीरे धीरे आंच पर। आप देख सकते हैं कि धीमे आंच पर ही ये कितने अच्छे से धीरे धीरे ये गर्म होने लगे हैं, और थोड़े थोड़े देखिएगा अब शाइनिंग टाइप के आ जाएंगे। जब तक ये पूरी तरह से नहीं बन जाते हैं, तब तक हम लोग इसके कुछ और भी फायदे देख लेते हैं। सफ़ेद तिल सर्दी में दवाई की तरह काम करता है। यह हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है और दिल की बीमारियों से भी बचाता है।
तिल जितना शारीरिक सेहत के लिए उपयोगी है उतना ही मानसिक सेहत के लिए भी उपयोगी है। साथ ही स्किन को हेल्दी और शाइनी रखना हो तो तिल का तेल का इस्तेमाल करने से इससे स्किन की झुर्रियाँ दूर होती हैं। तिल तेल का प्रयोग या तिल का सीमित मात्रा में सेवन बालों को असमय पकने और झड़ने से रोकता है। यदि सूखी खांसी होने पर तिल को मिश्री और पानी के साथ यदि सेवन किया जाए तो उससे लाभ बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और खांसी भी दूर हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा मिश्रण लगभग तैयार होने पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कितनी ही शाइनी और अच्छे से मिल रहे हैं और एक सार भी हो गए हैं। इस स्टेज पर आने के बाद इसे एक मिनट और भी अच्छे से मिलाना है और ये ध्यान रखना है कि हमेशा कि इसका फ्लेम एकदम लो या लो टू मीडियम होना चाहिए। तेज आँच पर इसे बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये जल जाएंगे और फिर अच्छे से नहीं बनेंगे। और आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स कि ये कितने ही आसानी से बनकर तैयार हो रहे हैं। चलिए इसे मोल्ड में डाल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मोल्ड को पहले से ही तैयार करके रख लिया है और इसमें इस बैटर को डाल देंगे, तिल वाले मिश्रण को डाल देंगे। मैंने घी लगाकर मोल्ड को पहले से तैयार करके रखा हुआ था और इसमें अच्छे से इसे फैला लेंगे। मोल्ड आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं, किसी भी आकार का या कोई भी बर्तन आपके पास जो भी अवेलेबल हो उस बर्तन में आप इसे इस मिश्रण को डालकर इसे अच्छे से फैला लें और थोड़ा सा इसे अच्छे से चिकना भी कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से चिकना कर लिया है। इसके बाद एक मोल्ड लेंगे, चाहे आप जिस आकार का लेना चाहें उससे मैंने थोड़ा सा इसमें निशान बना लिया है जिससे कि काजू जब हम इसमें रखेंगे तो वो निशान के अंदर आए और वो उसे काटने में आसानी हो जाए। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने गोल आकार का थोड़ा सा इसमें निशान बना लिया है जिससे कि इसमें जो हम सजावट करेंगे वो निशान के अंदर ही आ जाए। इसकी सजावट और इसका आकार आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से काजू को दो भागों में कट कर लिया है और इसे इस टाइप से रख लिया है और इसे थोड़ा सा प्रेस फिर कर देंगे थोड़ा सा चम्मच से या फिर बेलन से जिससे कि ये काजू अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब थोड़ा सा पिस्ता लेना है और उस पर भी इसे डेकोरेट कर देना है। ये सारे काम इस मिश्रण को ठंडा होने से पहले ही कर लेना है, नहीं तो फिर ये काजू इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे और ये ऊपर ऊपर ही निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने दो आकार का मोल्ड लिया है, एक गोल और थोड़ा सा एक फूल के टाइप का। तो इससे मैं इसका आकार काट लूँगी, शेप में काट लूँगी। पहले राउंड शेप में मैंने कुछ काट कर निकाल लिया है गजक को और कुछ दूसरे आकार में काट कर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितने ही आसानी से कट कर निकल जाते हैं और इसकी थिकनेस भी आप देख लीजिए और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जयपुर में इसे चमचम गजक भी कहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ इसके जो टुकड़े बचे हुए हैं उससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सारे को कुकी कटर से काट लिया है और कितने ही सुंदर बने हैं ये देखिए फ्रेंड्स। बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि तिल बहुत ज़्यादा नहीं भुनाना चाहिए, नहीं तो इसका कड़वापन स्वाद आ जाएगा। यदि आपके पास कुकी कटर ना हो तो इसे किसी भी ग्लास या फिर छोटे आकार के ढक्कन से भी आप इसे कट कर सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स तैयार है जयपुरी स्टाइल गजक, चमचम गजक। तो आपने देखा ना कि ये कितने ही आसानी से और इजी प्रोसेस से ये बनकर तैयार हो जाती है। इसके लिए तो हमें चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ी और ना ही मावा की ज़रूरत पड़ी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। ये तो तैयार हो चुकी है। अब चलिए दूसरी रेसिपी भी बना लेते हैं, बादाम की चिक्की। इसके लिए पैन चढ़ाएंगे गैस पर और उसमें आधा कप मैंने बादाम लिया है और उसे रोस्ट कर लिया है अच्छे से जिससे कि इसका छिलका निकलने लगे। आपको मैं दिखाती हूँ कि किस स्टेज में इसे उतारना है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़े ब्राउन हो चुके हैं और इसे भूनना है बिल्कुल धीमे आंच पर जिससे कि इसके छिलके उतरने लगे और ये इसका क्रिस्पीपन भी आ जाए इसमें। इस टाइप के जलने भी नहीं चाहिए और छिलके भी उतरने चाहिए। फिर एक मसलन का कपड़ा लेंगे या फिर कोई भी रुमाल ले लेंगे और उसमें इन बादाम को डाल लेंगे और फिर इसे समेट कर इस पर इसको रब करेंगे। रब करने से इसके सारे छिलके निकल जाएंगे।
जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी प्रकार से आपको भी करना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से सारे छिलके इसके निकल जाते हैं और कोई परेशानी भी नहीं होती है। अन्यथा बादाम को जब हम लोग छिलका उतारते हैं तो बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा इसका ये डस्ट फैल जाता है, इसलिए इस तरीके से आप छिलका निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि छिलके कितने ही आसानी से निकल गए हैं। छिलके तो निकल गए हैं, पर इससे भी ज़्यादा परेशानी होती है छिलकों को इन बादाम से अलग करना। इसके लिए मैंने एक झारा लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इन झारा के बीच में इसको डाल देंगे और इससे इस तरह से करने से इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल सक जाते हैं। ये टिप्स बहुत ही अच्छे हैं, आप भी आजमा कर देखें। इस तरीके से इन छिलकों को निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आधा कप चीनी लिए हैं, पर चीनी का यूज मैं नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं आधा कप गुड़ का इस्तेमाल करूँगी और आधा कप बादाम का। गुड़ की जगह पर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से मैं गुड़ को पिघलाऊंगी उसी तरह से आप चीनी को पिघला लें, बस इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि मैंने पैन चढ़ा दिया है गैस पर और उसके बाद इसमें आधा कप क्रश किया हुआ गुड़ लिया है और इसमें एक टेबल स्पून पानी डाल देंगे। फिर इसे मीडियम आँच पर पिघला लेंगे धीमे धीमे आँच पर। यदि आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे कैरमलाइज करना है। मीडियम आंच पर चीनी को डाल दें और उसे छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। धीरे धीरे आंच पर जब वो थोड़े पिघलने लगेंगे तब उसे चलाना स्टार्ट करें और कैरमलाइज कर लें। इस तरीके से गुड़ में आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा घी डाला है, बिल्कुल हाफ टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, आप डालें या फिर छोड़ सकते हैं इसे, पर घी डालने से इसमें शाइनिंग बहुत ही बढ़ जाता है इसका। ये सारा वर्क इसमें मीडियम आंच पर ही करना है। अब फिर देखिए, मैं एक कटोरी में पानी ले ली हूँ और इसे चेक कर रही हूँ कि ये तैयार हुए हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं कि अभी ये बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए हैं और ये पिघल जा रहे हैं, तो इसलिए इसे और भी थोड़ा देर पका लेंगे। थोड़ा देर और पकाने के बाद इसे फिर से एक बार टेस्ट करेंगे कि ये तैयार हुए हैं कि नहीं। इसके लिए इसमें पानी में एक दो ड्रॉप डालेंगे और इसे फिर से राउंड गोल करेंगे। अगर ये गोल हो जाते हैं और ये आराम से टूट जाते हैं तो फिर ये पक गया है, नहीं तो फिर ये देखिए अभी भी ये आराम से टूट नहीं रहे हैं, तो इसलिए अभी भी ये नहीं पके हैं। फिर से थोड़ी देर पकाने के बाद ये सारे प्रोसेस धीमे आंच में ही करना है। मैंने फिर से बॉल में इसे एक दो ड्रॉप डाल दिया है और फिर इसे चेक किया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से टूट रहे हैं। जब ये चाशनी बहुत अच्छे से टूटने लगे, मतलब इस तरह से क्रैकल का आवाज़ आने लगे, तो आप समझिए कि ये तैयार हो चुके हैं। इस वक्त गैस को ऑफ कर दें और इसमें फटाफट से ये बादाम जो हम लोग छीलकर छिलका उतार कर रखे हुए थे उसे ऐड कर देंगे और इसे बहुत ही जल्दी जल्दी इसे मिला लेंगे। ये सारे प्रोसेस बहुत ही जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो ये इसी पैन में ही जम जाएंगे। तो इसके लिए मैंने पहले से ही मोल्ड तैयार करके रख लिया था, मतलब किसी थाली या मोल्ड में आप इस घी लगा कर रख लें पहले से ही और उस थाली में ही इसे पोर कर दें। आप देख सकते हैं कि मैंने प्लेट में पहले से ही घी लगा कर रख लिया था और उसे इसमें पोर कर देंगे। अब फिर फटाफट से किसी प्लेट या कटोरी से इसे समतल कर देंगे, मतलब इसका पूरे अच्छे से फैला लेंगे और इसे चिकना कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसी टाइम में, जब हल्का गर्म रहे तो इसी टाइम में इसमें निशान बना लें कट का, जिससे कि आपके साइज इक्वल निकलेंगे। मैंने इसमें निशान नहीं बनाया था इसलिए मैं हाथों से इसे तोड़ रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये चिक्की कितने ही अच्छे से तैयार होकर निकल गए हैं। इसके क्रिस्पीपन का अंदाज़ा आप इसके साउंड से ही आप लगा सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और यमी तो बहुत थे ही। आप देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही यमी बने हैं और एक बार आप ज़रूर से इसे ट्राई करके हमें बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, बनाइए जल्दी से जाके चिक्की और गजक, जयपुर की फेमस गजक और ये क्रिस्पी चिक्की। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें।
जिससे मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे